Shreyash, what are you doing? Very good. Happy Independence Day to all. Happy Independence Day. चाहते हो? आज इंडिपेंडेंस डे तो बिल्कुल ही कहना चाहता हूँ मैं. बोलो. मैं आज अपने दिल से कह रहा हूँ कि आज हम लोगों का 75th इंडिपेंडेंस डे है. तो जो हम लोग के पहले लीडर्स और वॉरियर्स थे जिन्होंने आज हमें ये आज़ादी दिलाई है, उनको कितनी परेशानी और कितने हिम्मत से वो काम करना था, तो उनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं. अगर वो शायद ये अपनी स्ट्रगल नहीं करते इतना, तो शायद हम यहाँ आज इतने अच्छे से पूरे फ्रीडम से हम ये वीडियो और ये 75th इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट कर पाते. और जैसे हमारे अभी भी आर्मी मैन है, पुलिस मैन है, ये लोग कुछ नहीं देखते, ना गर्मी हो, ना ठंडक हो, ना बारिश हो, ना धूप हो, ये हमेशा अपने काम पे डटे रहते हैं और हम लोगों की घर की सुरक्षा करते रहते हैं. तो इनको भी एक बार सैल्यूट कर देते हैं हम लोग. और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, टोक्यो ओलंपिक ऐसे में चल रहा था, उसमें पीवी सिंधु जी और नीरज चोपड़ा जी और सभी लोग जिन्होंने अपनी इंडिया को एक नई पहचान दी इस बार, कि इसी से हमारी इंडिया इतनी जानी मानी देश है, लोग इसको बाहर बाहर से देखने आते हैं, तो इन सब को एक बार सल्यूट कर देते हैं. जय हिंद, जय भारत. वाह मेमू, बहुत वेरी 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 गुड. तुमने बहुत अच्छा बोला. वेरी गुड मेमू. थैंक यू. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ सैंडविच. आज मैं थोड़ा सा इसमें कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तीनों कलर इसमें मिक्स कर सकूँ. देखते हैं क्या करते हैं. और एक्चुअली हुआ क्या, मैं बाहर से मंगा रही थी कुछ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कुछ भी नहीं आ पाया, तो अब यही बनाते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इसको तो ये इस तरीके से सारे ब्रेड के कॉर्नर्स ऐसे कर लेने, अलग कर देने. अब मैं इन ब्रेड को कर दूंगी साइड में. और ये गोल्ड को टैटू लिए हैं इसकी फिलिंग के लिए. सबसे पहले इसको मैं इस तरह मैश करूंगी. इसको लगभग टू सेक्शन में डिवाइड करो, क्योंकि इसमें हम ग्रीन कलर मिलाएंगे, उसमें हम ऑरेंज कलर मिलाएंगे. अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ये मीट मसाला, ये चाट मसाला, ये कुछ थोड़ा सा लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ये नमक. तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मीट मसाला, ये जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक. और अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस. मैं लगाऊंगी तीसरी स्लाइस ऑफ ब्रेड. फ्राई
करेंगे। आप चाहें तो बटर से कर सकते हैं, मैं घी से कर रही हूँ। मैं कर्म कर रही हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी डॉक्टर बनूँ
सिर्फ पैसों के लिए नहीं। हर इंसान ऐसा नहीं कि पैसों से प्यार नहीं है या पैसे चाहिए नहीं। पैसे चाहिए, पैसे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी सकूं। मुझे किसी के सामने नहीं जाना पड़े कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे ये काम करना है। पैसे इसलिए चाहिए, ना कि पैसे इसलिए चाहिए कि मुझे बस पैसों के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सच में इसीलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि मैं उन पेशेंट्स का इलाज कर सकूँ जो शायद आज इसलिए मर जाते हैं या इसलिए उनको इलाज नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि कोई पेशेंट आए जो हम प्लेज लेते हैं कि हम हर 24 घंटे अपने पेशेंट के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल ऐसी ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं बहुत जल्द डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए फ्रीडम क्या है। फ्रीडम ये है कि क्या हमारे पास खुली सोच है, क्या हमारे पास खुला, क्या हम खुल के सोच सकते हैं। मैं आज के पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों के साथ भी इतना कोलैबोरेट करें, इतनी उन्हें इंडिपेंडेंस दे कि वो खुल के सोच सके। उन्हें क्या करना है वो उनको डिसाइड करने दें, ना कि हम अपने डिसीजंस जाके उन पे दे दें कि आपको ये करना है। अगर हम उनकी ये अगर हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, इसलिए कि उन्हें कैसा डिसीजन लेना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है उन्हें ये समझा सके, तो उन्हें उनके डिसीजंस लेने दें और हम आप रहे साथ उनके, उन्हें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है ताकि कल को वो खुद डिसीजंस ले सके। मैं अपनी सोसाइटी में मेन और वुमेन को, बॉय और गर्ल को सेम इक्वलिटी देनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर एक लड़का चिल्लाता है तो इट्स ओके, अगर एक लड़की टॉलरेट करती है तो इट्स ओके? ऐसा क्यों? लड़कों का चिल्लाना सही क्यों और लड़कियों का सहना सही क्यों? अगर दोनों इक्वल हैं तो हमें दोनों को साथ लेना चाहिए। आज जैसा हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसा है कि वुमेन सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं? इंडिपेंडेंस से हमारा देश आजाद है तो फिर हम सेफ क्यों? हमें भी तो सेफ होना चाहिए। मैं हर एक इंसान से ये गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज रिस्पेक्ट टू गर्ल वुमेन। आपके घर में भी मम्मी है, बहन है, सबको ये सारी वुमेन की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है? बस मैं एक छोटा सा मैसेज था जो आप तक पहुंचाना चाहती थी। होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस इंडिपेंडेंस डे अपने आप से एक प्रॉमिस करो और मेरी अगर कुछ भी बात अच्छी लगी तो प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। अपना ब्लॉग यही एंड करी हूँ, शायद आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जो मेरे दिमाग में था मैं आप तक एक छोटा सा मैसेज पहुँचाना चाहती थी और मैंने वो पहुँचाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद